हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पे। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस को। फोटोसिंथेसिस में कल हमने देखा था कि डाउनहिल मूवमेंट कैसे होता है, मींस हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन कैसे लो एनर्जी स्टेट की तरफ आते हैं और बीच में कैसे फिर वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन्स रन करते हैं और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन कौन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर उनको एक्सेप्ट करते हैं और लास्ट में क्या होता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास चला जाता है, एनएडीपी के पास चला जाता है और वो उसका क्या हो जाता है, रिडक्शन होकर किसमें चेंज हो जाएगा, वो एनएडीपीएच में। तो हमने देखा था कि डाउन हिल मूवमेंट जो है इलेक्ट्रॉन का वो कैसे होता है। अब फोटोसिंथेसिस में आज हम बात करेंगे कि जो हमने जब फोटो सिस्टम देखा था तो मैंने आपको क्या बताया था, ये दो कंडीशन में होता है फोटो सिस्टम। जो हमने देखा था कि यहाँ पे एक साइक्लिक कंडीशन भी हमें देखने को मिलेगी और एक कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी, नॉन साइक्लिक कंडीशन। तो नॉन साइक्लिक हमने क्या देखा था कि इलेक्ट्रॉन जहां से इमिट होता है वापस घूम के वहां पे नहीं आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन अगर इमिट हो रहा है और वो घूम के वापस उसी जगह आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो यहां हम डिस्कस करेंगे कि जो फोटोसिंथेसिस है उसमें जो है फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, फोटो जो फॉस्फोराइलेशन है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कैसे होता है अभी हम डिस्कस करेंगे इसको। और फोटोफॉस्फोराइलेशन भी दो टाइप का होता है वो हम देखेंगे उसमें कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है। साइक्लिक और नॉन साइक्लिक का मतलब आप समझे कि नॉन साइक्लिक का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन घूम के जो है वापस वहीं पे नहीं आता है, मींस जहां से निकला इलेक्ट्रॉन वापस घूम के वहां पे नहीं आएगा, उस साइकिल को मींस साइकिल को वो कंप्लीट नहीं करेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फ्लो इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन जहां से इमिट होता है वापस उसी जगह पे आ जाता है, मींस साइकिल पूरा कर लेता है, उसको हम बोलते हैं साइक्लिक फ्लो इलेक्ट्रॉन। तो आज हम बात करेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन की। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब आपको क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, आप ग्लाइकोलाइसिस साइकिल जब पढ़ते हो तो वहां पे आता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो मैं आपको सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, जब आप ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं तो वहां पे आता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन का मतलब भी क्या होता है कि एटीपी का क्या होता है, सिंथेसिस होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, एटीपी का सिंथेसिस होता है। तो एटीपी का जब सिंथेसिस होता है ग्लाइकोलाइसिस में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, है ना, क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है, एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है। अब जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो यहां पे भी मतलब क्या है कि एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, एनर्जी का सिंथेसिस हो रहा है लाइट की प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, उसको हम बोलेंगे फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको ध्यान में रखना है कि एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस हो रही है, किससे, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको ध्यान में रखना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, आप ग्लाइकोलाइसिस में पढ़ोगे वहां पे भी क्या होता है, एटीपी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। और यहां पे आप क्या बोलोगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस क्या होगा कि एटीपी का सिंथेसिस होगा, और जब एटीपी का सिंथेसिस होगा, अब देखो इट इज द फॉर्मेशन, लिख लो इसमें कि इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी मींस एटीपी का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है इन द क्लोरोप्लास्ट, कहां पे होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा, इन द क्लोरोप्लास्ट, इन द क्लोरोप्लास्ट बाय फोटोसिंथेसिस के थ्रू। इसके थ्रू होगा, कौन सी प्रोसेस के थ्रू होगा, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। आपको ध्यान में रखना है, उसको हम क्या बोलेंगे, फोटोफॉस्फोराइलेशन। मींस क्या होगा कि एटीपी का, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या है, सीधा सा मतलब है कि एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, मींस एटीपी का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, एटीपी सिंथेसिस हो रही है, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी का क्या हो रहा है, एनर्जी का फॉर्मेशन हो रहा है, कहां पे हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट में हो रहा है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है, उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये आपको ध्यान में रखना है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होगा, एटीपी का प्रोडक्शन होगा, किसके थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू, किसके थ्रू होगा, फोटोसिंथेसिस के थ्रू होगा। अब ये ध्यान में रखना आपको कि जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है वो दो टाइप से होता है, कौन कौन से टाइप से, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होगा साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एक होगा साइक्लिक फोटो
फॉस्फोराइलेशन। तो दो टाइप से फोटोफॉस्फोराइलेशन हमें देखने को मिलता है, कहां पे? फोटोसिंथेसिस में। तो इसमें क्या होगा, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी इन द क्लोरोप्लास्ट बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, उसको हम बोलते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन स्टूडेंट दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन और एक होता है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। आपको क्लियर हो गया कि फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या हुआ? अब हम डिस्कस करेंगे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को। किसको डिस्कस करेंगे? नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को डिस्कस करेंगे कि नॉन फोटो जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन वो क्या होगा। तो देखो, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन इसमें क्या होगा, इसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले काम कौन करेगा, फोटोसिस्टम सेकेंडरी काम करेगा। और फोटोसिस्टम सेकेंड पे कौन होता है? P680 होता है। बिल्कुल आपको पता है कि फोटोसिस्टम सेकेंड जहां पे काम करता है वहां पे कौन होता है? P680 होता है। अब जैसे इस पे लाइट गिरेगी, फोटोन गिरेंगे, लाइट गिरेगी, तो जब लाइट गिरेगी तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा। मीन सबसे पहले तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग होगी। ये देखो, वाटर मॉलिक्यूल का क्या होगा, स्प्लिटिंग होगी, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। तो 2H2O कन्वर्ट होगा 4 प्रोटोन प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहां पे क्या होगी, लिबरेट होगी। ये ध्यान में रखना आपको। सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही लाइट गिरेगी, फोटोन जो लाइट गिरेगी तो फोटोलाइसिस ऑफ क्या होगा, वाटर होगा। वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा। तो 2H2O जो वाटर मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होके 4H+ ऑक्सीजन यहां पे क्या हो जाएगी, लिबरेट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में। अब क्या होगा, जो फोटोसिस्टम सेकंड है, P680 की जहां बात कर रहे हैं हम, फोटोसिस्टम सेकंड जहां जिसकी हम बात कर रहे हैं, आपको पता है जो पीएस सेकंड है, फोटोसिस्टम सेकंड है, वहां पे कौन है? P680। अब ये क्या होगा, जैसे इस पे लाइट गिरेगी ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा। और ये क्या होगा, एक्साइटेड होगा। अब जैसे ही ये एक्साइटेड होगा तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा कहां, किसके पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के पास इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। जिसको सबसे पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा वो कौन होगा, फियोफाइटिन। फियोफाइटिन को ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। देखो सबसे पहले ध्यान से देखना, हम नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की बात कर रहे हैं। मींस कि अगर इलेक्ट्रॉन जहां से इमिट हुए हैं वापस इसके पास नहीं आएगा, साइकिल को पूरा नहीं करेगा, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन साइक्लिक। तो क्या होगा कि सबसे पहले लाइट गिरेगी तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा। मींस वाटर मॉलिक्यूल का यहां पे क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। वाटर मॉलिक्यूल का जब ब्रेकडाउन होगा तो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बोलेंगे उसको हम। और यहां पे जब लाइट गिरेगी तो जो फोटोसिस्टम सेकंड है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, P680 बोल रहे हैं, वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा। और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेगा, और वो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, फियोफाइटिन के पास जाएगा। फियोफाइटिन के पास जाएगा, और कल मैंने आपको बताया था फियोफाइटिन के पास जाएगा, और इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास। प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा। प्लास्टोक्विनोन को हम शॉर्ट फॉर्म में PQ लिख सकते हैं। तो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन फिर कहां जाएंगे, प्लास्टोक्विनोन के पास जाएंगे। और प्लास्टोक्विनोन से फिर वो कहां जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, स्टूडेंट ध्यान रखना। और प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है। इलेक्ट्रॉन मींस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ही तो क्या प्रेजेंट होगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होगा। जब आप इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ोगे तो वहां पे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। तो फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन गए प्लास्टोक्विनोन के पास, प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ETC जिसको हम बोलते हैं, ये ध्यान में रखना, ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में चला जाता है, जिसको हम ETC बोलते हैं। और प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन जाएगा कहां पे, वैसे साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। और साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा तो यहां पे ATP का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। ATP प्रोड्यूस होगा, और किसके थ्रू होगा, बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू। यहां पे क्या होगा, ATP का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा। अब देखो ATP का प्रोडक्शन हो गया तभी तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और कौन सा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि यहां पे ATP का क्या हुआ है, प्रोडक्शन हुआ है बाय प्रोटॉन मोटिव फोर्स के थ्रू, कहां पे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास। तब इसको हम क्या बोल रहे हैं, यहां पे फोटोफॉस्फोराइलेशन। और कौन सा फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास पहुंच गया। अब साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, ये जाएगा प्लास्टो, ये वापस किसके पास जाएगा, ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास। अब देखो सबसे पहले फियोफाइटिन के पास आएगा,
फ्यूफाइटिन के पास, प्लास्टोक्विनोन के पास गया। ये ध्यान में रखना है, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है आपको, साइक्लिक ये जो फ्लो हो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे हो रहा है। तो प्लास्टोक्विनोन के बाद ये किस में जाए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में गया, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में गया। अब ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, किसके पास जाएगा, प्लास्टोसाइनिन के पास, जिसको आप पीसी बोलोगे, क्या बोलोगे, शॉर्ट फॉर्म पीसी। ये प्लास्टोक्विनोन पीक्यू है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हम क्या बोलेंगे, एटीसी बोलेंगे, और यहां पे क्या है, फियोफाइटिन, ये ध्यान में रखना है। तो प्लास्टोसाइनिन के पास गया और प्लास्टोसाइनिन से ये कहां पे जाएगा, ये जाएगा P700 के पास। प्लास्टोसाइनिन से ये किसके पास जाएगा, देखो प्लास्टोसाइनिन से ये जाएगा P700, और P700 आपको पता है स्टूडेंट क्या है, P700 है फोटोसिस्टम फर्स्ट, पीएस फर्स्ट जिसको हम बोल रहे हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट है P700। आप रिकॉल करिए पीएस फर्स्ट क्या है, फोटोसिस्टम फर्स्ट है P700। अब इस पे फिर लाइट गिरेगी, फोटोन गिरेगा, तो फोटोन गिरेगा तो इलेक्ट्रॉन यहां से कहां जाएंगे, यहां जाएंगे FES कॉम्प्लेक्स के पास, FES कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ध्यान में रखना। यहां जब फोटोसिस्टम फर्स्ट P700 पर जब लाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट होके कहां जाएंगे, FES कॉम्प्लेक्स, जिसको हम आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हम आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ध्यान में रखना, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स हम इसको बोलते हैं, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। और ये जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है स्टूडेंट, ये फोटोसिस्टम फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये ध्यान में रखना। जो फोटोसिस्टम फर्स्ट है P700 है, इसमें लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन इमिट हुए और ये किसके पास गए, FES कॉम्प्लेक्स के पास गए, जिसको हम बोलते हैं आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। और ये जो आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स है, ध्यान में रखना, ये फोटोसिस्टम जो फर्स्ट है, PS फर्स्ट है, उसका इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, PS फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये कौन, PS फर्स्ट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है कौन, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स। अब आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स अगर इसका एक्सेप्टर है, इसके बाद आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन, देखो ये साइकिल फिर यहां पे कंफ्यूज मत होना, ये एक बार रफ कर रहा हूं मैं थोड़ा, आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स आपको ध्यान में है। अब देखो FES आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स के पास इलेक्ट्रॉन आया, अब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा किसके पास, मैं इधर बना रहा हूं, आप उधर बना सकते हैं क्योंकि उधर दिखाई नहीं देगा, आप अपनी कॉपी में उधर बनाएंगे, मैं इधर बना रहा हूं वापस। तो यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन के पास, फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा, जिसको हम बोलते हैं FD, फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जाएगा। और फेरोडॉक्सिन यहां पे भी क्या है भाई, फेरोडॉक्सिन भी किसमें आएगा, एटीसी में आएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वापस इलेक्ट्रॉन जा रहा है और फेरोडॉक्सिन के पास जा रहा है। अब फेरोडॉक्सिन से क्या होगा कि यहां पे इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएगा, एनएडीपी के पास, किसके पास जाएगा, एनएडीपी के पास जाएगा। तो एनएडीपी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, 2NADP+ रिड्यूस, इसका रिडक्शन होगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, 2NADH में, कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, 2NADH, NADPH में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2NADPH में, 2NADPH में। तो यहां पे हमें एटीपी का प्रोडक्शन मिला और हमें किसका प्रोडक्शन मिला, NADPH का भी। लेकिन देख लो कि इलेक्ट्रॉन निकला कहां से था, फोटोसिस्टम सेकंड से, लेकिन इलेक्ट्रॉन वापस घूम के यहां तो नहीं आया, आया कि नहीं आया, नहीं आया, तभी तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोल रहे हैं, नॉन साइक्लिक बोल रहे हैं। और फोटोफॉस्फोराइलेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहां पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, एटीपी का प्रोडक्शन हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन घूम के वापस पी सेकंड के पास नहीं आया, इलेक्ट्रॉन रिड्यूस होकर किसके पास चला गया, एनएडीपीएस के पास, लेकिन वापस फोटोसिस्टम सेकंड के पास नहीं आया। तो आपको ध्यान में रखना है कि जब नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन की हम बात करेंगे तो क्या होगा कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, सबसे पहले फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल जब टूटेगा और फोटोन जब लाइट गिरेगी तब क्या होगा, जो फोटोसिस्टम सेकंड है P680 जिसको हम बोल रहे हैं, भाई सबसे पहले जब लाइट गिरेगी तो क्या होगा, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, वाटर मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होगा, ऑक्सीजन रिलीज होगी, प्रोटॉन रिलीज होंगे और इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे वहां पे रिलीज होंगे। और जब फोटोसिस्टम सेकंड जो है P680 है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा जैसे लाइट गिरेगी, और इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इमिट करेगा। और सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जब इमिट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स के पास जाएगा, और सबसे पहले किसके पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स, ये P680 है, जैसे ये इमिट
करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ये सबसे पहले जाएगा फ्यूफाइटिन के पास, फ्यूफाइटिन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगा किसके पास जाएगा प्लास्टोक्विनोन के पास, और प्लास्टोक्विनोन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और किसके पास जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, और यहाँ पे क्या होगा एटीपी का प्रोडक्शन होगा किसके थ्रू प्रोवाइड प्रोटोन मोटिव फोर्स के थ्रू क्या होगा एटीपी का प्रोडक्शन होगा। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, प्लास्टोसाइनिन जिसको हम पीसी बोलते हैं, प्लास्टोसाइनिन के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा P700 जिसको हम क्या बोल रहे हैं फोटोसिस्टम फर्स्ट, और फोटोसिस्टम फर्स्ट पे वापस लाइट गिरेगी तो ये इलेक्ट्रॉन यहां पे भी क्या होगा इमिट होगा एक्साइटेड होगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके पास जाएगा FeS कॉम्प्लेक्स के पास जिसको हम आयरन सल्फर कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और ये फोटोसिस्टम फर्स्ट का क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, और फोटोसिस्टम फर्स्ट का क्या है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। उसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन वापस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा फेरोडॉक्सिन के पास, और जैसे ही फेरोडॉक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन गया यहां पे किसके पास जाएगा NADPS NADP के पास, और ये इसको क्या कर देगा रिड्यूस कर देगा और कन्वर्ट कर देगा 2NADPH में। तो ये हमें नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन देखने को मिलता है किसमें फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि यहाँ पे एटीपी का प्रोडक्शन भी हो रहा है और नॉन साइक्लिक भी है, मींस कि पीएस सेकंड से स्टार्ट हुआ वापस पीएस सेकंड के पास नहीं आया और एटीपी का क्या हो रहा है यहाँ पे प्रोडक्शन भी हो रहा है। आई होप कि आपको समझ में आया है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। थैंक यू।